नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल की अमरवाड़ा की खबर के साथ, जहां उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस में तीन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य हाके का नाम चर्चा में है। जिला पंचायत सदस्य चंपालाल खुर्चे का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा विनय भारती का भी नाम सामने आया है। अगले दो दिन के अंदर कांग्रेस टिकट का ऐलान कर सकती है। भाजपा ने कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि कमलेश शाह पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की कांग्रेस छोड़कर, इसीलिए यहां पर एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस में तीन नामों को लेकर चर्चा चल रही है। तीनों ही नामों पर मंथन के बाद नामों का ऐलान किया जाएगा और फिर टिकट वितरण किया जाएगा। बता दें कि 13 जुलाई को नतीजे क्योंकि आएंगे और जुलाई 13 जुलाई के पहले ही वोटिंग होगी, उपचुनाव होंगे और उपचुनाव के दिन ये देखना होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है। क्योंकि छिंदवाड़ा की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस का कब्जा है विधानसभा की सीटों पर। इस बीच ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद क्या छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में वही बोलबाला कांग्रेस का है या फिर नतीजे बदलेंगे। ये अभी इंतजार करने की घड़ी है, ये अभी स्पष्ट होगा 13 जुलाई को ही, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स का ऐलान जो है अभी किया जाना बाकी है। बीजेपी ने तो कर दिया अपने कैंडिडेट का ऐलान और कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से इंतजार बाकी है। 3 से 4 नामों की चर्चा चल रही है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी आपके पास, सबसे ज्यादा रेस में आगे कौन नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मध्यप्रदेश की राजनीतिक हलचल जो है वो लगातार गरमाई हुई है। भले ही लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, लेकिन अब अगली चुनौती है छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव, जहां से कांग्रेस के विधायक जीते थे 2023 में कमलेश शाह, जिन्होंने विधायकी छोड़ दी और विधायकी छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब एक बार फिर से विधायक बनने के लिए भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अब भी एक जिता उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कांग्रेस के अंदर 2-3 नाम जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो नेता हैं उनको भी अप्रोच किया कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि उसके लिए वो तैयार नहीं हुए हैं, तो अब कांग्रेस को एक उम्मीदवार की तलाश है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 1 से 2 दिनों के भीतर जो उम्मीदवार हैं उनको कांग्रेस उनका नाम जो है वो फाइनल कर देगी, तय कर देगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा विधानसभा का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं साख का सवाल बन चुका है। लंबे अरसे बाद कांग्रेस को छिंदवाड़ा लोकसभा में करारी हार मिली है, करारी शिकस्त मिली है, यानी कि जिस छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था अब वहां पर बीजेपी का सांसद है। बाकी अगर अमरवाड़ा सीट को छोड़ दिया जाए जहां पर अभी उपचुनाव की स्थिति है, बाकी सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का विधायक मौजूद है। हार के बाद नकुल नाथ ने कहा था कि मेरा अगला लक्ष्य अमरवाड़ा होगा। अब वो इस लक्ष्य को कितना फतह कर पाते हैं, कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर छिंदवाड़ा में मजबूत होती हुई दिखाई देगी, ये अमरवाड़ा लोकसभा अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के बाद तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भरसक मेहनत करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों के परिणाम आए हैं इससे एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही छिंदवाड़ा जैसा कांग्रेस का मजबूत गढ़ ही क्यों ना हो, वहां पर भी बीजेपी संगठनात्मक रूप से मजबूत हो गई है और कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां पर किसे बनाती है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य ये पूरा इलाका है, कांग्रेस का गढ़ जरूर रहा है, लेकिन 2013 से कांग्रेस के जो नेता लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे कमलेश शाह, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर से विधायक किसी इस्तीफा देने के बाद विधायक बनने के लिए ही चुनावी मैदान में हैं। जी ठीक है, लेकिन अगर बात करें छिंदवाड़ा के विधानसभा सीटों की, तो लगभग हर सीट पर ही जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी और हमने पिछले बार भी देखा था जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बम्पर जीत कांग्रेस को हाथ लगी थी, लेकिन हवा का रुख लोकसभा चुनाव से बदला है और प्रत्याशी इस बार क्या बहुत अहम हो जाएंगे या फिर पार्टी की हवा जो चल रही है उसी की ओर लोग जाते नजर आएंगे, क्या लगता है वासु?
देखिए अगर कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस में अक्सर हर चुनाव में ये देखा गया है कि कैंडिडेट जो होता है उस पर चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का अधिक जो दारोमदार है वो होता है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो प्रत्याशी भले ही कोई भी, उसको जिताने का काम संगठन की ओर से किया जाता है। तो यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है कि उनके फेवर में जो चुनाव के नतीजे हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार नहीं आ रहे, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात हो चाहे विधानसभा के चुनाव की बात हो। तो इन चुनावों में कांग्रेस को अपनी इस परिपाटी को बदलना होगा। अगर अमरवाड़ा का रण जीतना है तो बहुत मजबूती के साथ वहां पर कांग्रेस को प्रयास करने होंगे, पूरे संगठन को लड़ना होगा। कैंडिडेट के अपने प्रयास जरूरी होते हैं, कैंडिडेट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके साथ ही जो संगठन काम करता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ना उसके लिए काफी कठिन हो जाता है। अपनी टीम के बलबूते लड़ना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जब वहां पर संगठन की ताकत लग जाती है, सभी बड़े नेता गुटबाजी छोड़कर गुटबाजी भूल के मेहनत करते हैं, एक साथ आते हैं, तो वहां पर जरूर फिर कांग्रेस को जो मजबूती है वो मिल सकती है। और इसके लिए पार्टी दावा तो कर रही है कि पूरी स्टेट की लीडरशिप अमरवाड़ा के चुनाव में लगेगी, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये बड़ा सवाल है, जो कमलेश शाह के जाने से हुआ है और कमलेश शाह के साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के भाजपा में शामिल होने से हुआ है। लोकसभा चुनाव में तो ये डैमेज कांग्रेस कंट्रोल कर नहीं पाई, इसलिए छिंदवाड़ा में वहां पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, पर अब अमरवाड़ा एक चुनौती भी है और एक मौका भी है कांग्रेस के पास ये साबित करने के लिए। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अमरवाड़ा का रण क्या आसान होगा? क्या लोकसभा चुनाव का जो रुख, जो हवा लोकसभा चुनाव की है, वो इस सीट पर बीजेपी को जीत दिला पाएगी क्या? देखिए अंशिका जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे छोटा पंचायत के वार्ड का चुनाव हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होता है और यही चुनावी राजनीति की शैली है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां तक चुनावी चुनौती का विषय है तो उसको लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता और सरकार सब तैयार है। जिन विषयों को लेकर अमरवाड़ा उपचुनाव के संदर्भ में या मध्यप्रदेश और उपचुनाव की संभावना है उनको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। अमरवाड़ा में हम सब जानते हैं किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे कमलेश जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता त्यागी और आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उस चुनाव मैदान में है। तो एक जबरदस्त तैयारी के साथ हम पूरे ताकत के साथ मैदान में हैं और किसी प्रकार की राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिवार सबल और सक्षम है। हम पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के विकास के कार्य मोहन यादव जी और बीजेपी सरकार के इस मध्य प्रदेश में है, सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हमारी पूरी तैयारी है बूथ को लेकर, विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर, रीति रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी बातचीत के लिए और साथ ही ये बताने के लिए कि किस तरह की तैयारी बीजेपी की तरफ से होगी। आपका पंकज जी बहुत शुक्रिया, वासु आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। सतना में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, मारपीट का वीडियो आया सामने, 4 जून की बताई जा रही घटना। दुर्ग में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को पीटा, बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी की पिटाई की, उन्हें धमकी भी दी। खंडवा में हाट बाजार में मारपीट का वीडियो वायरल, रुपए के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, व्यापारियों और ग्राहकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में लगी आग, 5 दुकानें जलकर हुई खाक। शाजापुर में कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुर्ग में पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी लगाई फांसी, दुर्ग जिले के खोपाली गांव की घटना। अंबिकापुर में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, बार बार खाना मांगने पर पिता ने मना किया। इंदौर में डिलीवरी बॉय के खाते में आए 12 करोड़, साइबर पुलिस कर रही जांच। दुर्ग में लाखों की साइबर ठगी, साइबर ठग ने 24 लाख से भी ज्यादा ठगे, शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ के में मुनाफे का लालच देकर ठगी की। इंदौर में सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, स्कूटी से जा रही ऐश्वर्या कार से टकराई।
अनूपपुर में धन लाभ के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, सपने में आया था धन का लोकेशन। बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर आरएसएस का इंद्रेश कुमार का यूटर्न, बोले राम की भक्ति करने वाले सत्ता में मोदी सरकार में देश में विकास हुआ। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अवैध रेत स्टॉक देखने पहुंचा खनन विभाग, एक चेन मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की और चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आ जाएंगे रायपुर, शाम में होगी बैठक। सीएम मोहन का उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर दौरा, तालाब के गहरीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ करेंगे। एक्शन में सीएम विष्णुदेव साय, विभागों की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक का आगाज, अंतिम दिन आज गृह और जेल विभाग की समीक्षा होगी। बात करेंगे खबरों की, जहां उज्जैन में गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमदान किया है, पुलिस लाइन पर उन्होंने श्रमदान किया, शिप्रा नदी के लिए रवाना हुए हैं, यहां से शिप्रा परिक्रमा यात्रा का भी वो शुभारंभ करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने श्रमदान किया है उज्जैन में, गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम में वो शामिल हुए, पुलिस लाइन पर ही उन्होंने श्रमदान किया है, अब वो शिप्रा नदी के लिए रवाना हो चुके हैं, शिप्रा परिक्रमा यात्रा का भी वो शुभारंभ करेंगे। उज्जैन अपने गृह जनपद में ही मौजूद हैं डॉक्टर मोहन यादव, और आप देखिए तस्वीर, श्रमदान करते हुए वो नजर आ रही हैं, जिस तरीके से आप सामने मत आइए, जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हो रही है, उसके तहत श्रमदान करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए, पुलिस लाइन पर उन्होंने श्रमदान किया और साथ ही अब वो शिप्रा नदी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये अभियान बेहद ही अहम है, बेहद ही महत्वपूर्ण अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान, और इसके जरिए पानी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश, और इसमें श्रमदान करते जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसके तहत सभी जिलों में पौधारोपण, नदी नालों, ऐतिहासिक और पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुआं, बावड़ियों आदि के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है इस अभियान के तहत, ताकि इन्हें पुनर्जीवित किया जा सके, जो एक तरह से गायब हो चुके थे और अब इन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। ये अभियान बेहद ही महत्वपूर्ण अभियान है, पानी को बचाने के लिए हम कह सकते हैं, और ऐसे में खरगोन जिले की ग्राम पंचायत में भी इसको देखा गया, इस अभियान को चलाते हुए काफ़ी समय से जो कुआं और जो नदियां तालाब सूखे पड़े हैं, एक बार फिर से उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है, और इसी में श्रमदान करते आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को। आप सामने मत आइए, फोटो के सामने, आपके सामने हो चुके थोड़ा सा मोबाइल। तो ऐसे में अगर बात करें पंच तत्वों की, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जल है, और पृथ्वी पर जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, इसीलिए जीवन के लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। ये अनमोल संसाधन संरक्षित रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। 16 जून तक चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य प्रदेश भर में किया जा रहा है। अभियान के सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत की गई है, और अब
कई साल पुरानी जल संरचना को पुनर्जीवित करते हुए इस अभियान ने जल संरक्षण की दिशा में नया कीर्तिमान अब स्थापित कर लिया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुनर्जीवित कार्य किए जा रहे हैं। बारिश के मौसम में ग्रामीणों के लिए ये वरदान साबित होते हैं। पेयजल की समस्या इससे दूर होगी, जल जनित बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कूपों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। कूप की गाद निकालने और बंधाई कार्य करने से कूप का जो जल पेयजल के लिए उपयोग में लिया जाएगा, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा दूर होगी। वो पूजन में सम्मिलित हो, सबसे पहले शिप्रा का पूजन होगा। साधु संतों से भी निवेदन है, वो भी पंजाब के साथ हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई।